अलीगढ़ में ग्राम प्रधान और हेडमास्टर के आपसी विवाद के चलते सरकार की नीतियों को पलीता लगते हुए देखा जा सकता है। एक ओर जहां सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मिड डे मील के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था करती है, तो वहीं कई महीनों से आपसी विवाद के चलते स्कूल के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाता, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। ग्राम प्रधान से मिड डे मील नहीं मिल पाने की वजह पूछे जाने पर उन्होंने इसका ठीकरा सीधा हेडमास्टर पर थोप दिया। मिड डे मील तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही बनाया जा रहा था और ग्राम प्रधान ही 1 जुलाई से नहीं बनवा रहे लगातार, जिसकी सूचना में संबंधित अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित मैसेज आदि के द्वारा लगातार दे रहा हूँ। ये तो प्रधान जी की अपनी दबंगई है, उनकी मर्जी है क्यों बनवा रहे, क्योंकि प्रधान जी लगातार पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का आरोप लगा दो किसी से भी, अब मैं अभियाल ये कहूँ प्रधान जी मुझसे मेरी वेतन का 50% मांग रहे हैं, तो ऐसे कोई किसी से भी कुछ भी कह सकते। इस स्कूल में प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर बदन सिंह, जब से ये आए हैं तब से शिक्षा का स्तर गिरा है और इनके रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं। लड़ाई झगड़े कई बार गांव स्तर से चिल्टारे गए और पिछले 17-8-23 को इतना तगड़ा झगड़ा हुआ कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और महिला पुलिस भी साथ आई, तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। वो शिकायत मैंने लिखा BSA महोदय को दी, तब से लेके आज तक स्कूल की स्थिति, स्कूल का शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। अब पिछले 1 महीने से स्कूल में खाना नहीं बन रहा है और मैं इसको लिखित EBSA महोदय को और BSA महोदय को दे चुका हूँ। और कई बार EBSA महोदय आए, MD जो है DCMDM भी आए, लेकिन उसमें कोई समाधान हो ही नहीं रहा और बार बार हम अवगत करा रहे हैं। इन स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते मैं खाना नहीं बनाऊंगा। हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से MDM का संचालन वहां पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर MDM बंद नहीं होना चाहिए और मैंने DPRO साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित करें। हम और DPRO साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और MDM हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और DPRO साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकले। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का 25 अगस्त को एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा, जिसमें सभी संप्रदाय के हिंदू संत शामिल होंगे। दरअसल ये महासभा 2027 विधानसभा की तैयारियों के लिए हो रही। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने भाजपा के सबका साथ सबका विकास वाले नारे को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा चुनाव में मथुरा और काशी के साथ टीले वाली मस्जिद पर भी आवाज उठाएगी और भाजपा को हराकर हिंदू महासभा एक अलग परचम लहराएगी। यूपी विधानसभा 27 की तैयारियों पर पुरजोर से पार्टियां लगी हुई हैं। BJP भी एक अलग मुद्दे पर राजनीति तैयार कर रही है, जिसमें हिंदुत्व मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है, तो वहीं हिंदू महासभा भी अब इस मामले में पुरजोर तैयारी कर चुका है। 25 अगस्त को अयोध्या में एक बड़ा अधिवेशन भी होना है और उस अधिवेशन में साल 2027 की तैयारियों को लेकर के भी कई मुद्दे उठाए जाएंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी, ये बताइए, साल 2027 की जो तैयारियाँ हैं उसके साथ साथ अगर बात की जाए, अधिवेशन आपके द्वारा किया जा रहा है, उन अधिवेशन में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ आवाज रहेगी? अधिवेशन की तैयारी अयोध्या अंबर पैलेस में हो रही है और मुख्य रूप से इस अधिवेशन में काफ़ी जो हमारे संत लोग हैं वो भी पधार रहे हैं वहां पे, और लगभग 15 से 20 प्रदेशों से लोग, प्रदेश अध्यक्ष जो हिंदू महासभा के हैं वो भी आ रहे हैं,
आपके गुजरात से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके कई प्रदेशों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम लोगों का यही संकल्प है कि मथुरा अब हमारी बारी है, राम जन्मभूमि पर भव्य हमारा मंदिर बन चुका है, अब मथुरा पर भी बारी है, उसी को लेकर के अयोध्या जी में अधिवेशन करके वहीं से आशीर्वाद लेकर के और मथुरा जी के कार्यक्रम की हम लोग घोषणा करेंगे, कूच करेंगे। और उसी के साथ हम चाहते हैं कि जो 2027 का लक्ष्य है हमारा चुनाव का, उस पर भी लोगों की राय ली जाए और वहाँ से हम अपने जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं यूपी के, उनको निर्देश भी जारी होगा कि तत्काल में अपनी कमेटियों का गठन करें और जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द क्षेत्र में जाकर के और तैयारी में लग जाएं और प्रत्याशियों का चयन करें। कारण क्या है कि जिस रूप से बीजेपी सबका साथ और सबका विकास कर रही है, लेकिन संभव ही नहीं है, क्योंकि हिंदू महासभा का एक ही नारा है, हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। और इसी लक्ष्य को लेकर के और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे को आत्मसार करते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता 2027 के चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। साल 2027 को लेकर के आप बीजेपी के अगेंस्ट में पहुँच रहे हैं, तो अगर समर्थन मांगती है तब आप क्या करेंगे? नहीं, समर्थन की तो कोई बात ही नहीं है, हम बीजेपी से कोई अलग नहीं है, हमारी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, बीजेपी का अपना काम है, वो सबका साथ और सबका विकास करें। और वो सबका साथ और सबका विकास करते करते आप भी देख रहे हैं कि सबने साथ दिया और बीजेपी कहाँ पहुँच गई। सभी ने साथ दिया तभी तो बीजेपी आज वहाँ चली गई, इतनी सीटें घटी, किस लिए घटी? कि सबने साथ दे दिया, हिंदू ने केवल साथ नहीं दिया, बाकी सभी ने साथ दिया बीजेपी का। और मुझे केवल हिंदू का साथ चाहिए, मुझे सभी का साथ ही नहीं चाहिए। धन्यवाद ऋषि जी बात करने के लिए। तो जिस तरीके से 25 अगस्त को अयोध्या में हिंदू महासभा के द्वारा एक अधिवेशन किया जा रहा है और उसमें राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी आवाज़ उठाई जाएगी और हिंदुत्व मुद्दों में भी काशी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, इन सभी मुद्दों पर खास जोर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।